ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ నష్టప్రాయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్కో స్వాగత్ కర్తే హే భాగవత్ సందేశ్ కార్యక్రమ్ మే. ఖాస్ కర్కే జన్మాష్టమి ఉపలక్ష్య మే హమ్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కీ జన్మలీలా కే విషయ మే చర్చా కర్ రహే హే. ఖాస్ కర్కే హమ్ భాగవత్ కే ప్రథమ స్కంద్ కా ప్రథమ అధ్యాయ మే పరీక్షిత్ మహారాజ్ కో కృష్ణ కథా కీ శ్రవణ కర్నే కీ ఉత్కంఠతా కే విషయ మే చర్చా కియా. ఉస్కే బాద్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ నే కిస్ ప్రకార్ చార్ కారణ బతాయే కీ కృష్ణ కే బారే మే క్యో సున్నా చాతా హూ. సుఖదేవ్ గోస్వామి సే ఉన్నే నివేదన్ కియా, మే కృష్ణ కే బారే మే ఇస్లే సున్నా చాతా హూ క్యోంకి కృష్ణ పరమ దయాలు హై. क्योंकि कृष्ण मेरे माँ मेरे पितामह उनको उन्होंने बचाया है और मुझे बचाया है. इतना नहीं, इतना ही नहीं बल्कि कृष्ण कथा जो है वो सबको पवित्र करने वाला है. कृष्ण कथा जो है वो एक औषधि के समान है. बाद में परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव गोस्वामी पास से कि आप मुझे कृष्ण के बारे में क्या क्या बताएंगे. कहा कृष्ण के जन्म लीला के बारे में बताइए, मथुरा में किस प्रकार जन्म हुआ, बाद में किस प्रकार भगवान गोकुल में क्या क्या लीलाएं की उसके वर्णन किया, उसको वर्णन कीजिए करके पूछा. बाद में गोकुल लीला के बाद वृंदावन लीला के विषय में, वृंदावन लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा में किस प्रकार कंस को वध किए और अंततः द्वारका लीलाओं के विषय में पूछा. इन पांच प्रश्न कृष्ण के विषय में पूछने के पहले परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा मुझे बलराम जी के विषय में भी कहिए. बलराम जी उनके देहांतर के बिना गर्भांतर कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन कीजिए. ये प्रश्न पूछने के बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को धन्यवाद देते हैं. इस प्रकार धन्यवाद देते हैं, हे परीक्षित महाराज, आपके अंदर इस प्रकार की जो श्रद्धा है भगवान कृष्ण की श्रवण करने की, इससे पता लगता है वासुदेव कथा, आप वासुदेव के कथा के प्रति इस प्रकार की नैष्टिकी रति है, उससे पता लगता है कि आप महान भागवत हो, महाभागवत हो. तो या भागवतोत्तमा. तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म लीला के पीछे या जन्म के पीछे जो प्रसिद्ध कारण है उसका वर्णन करना प्रारंभ करते हैं. क्या है प्रसिद्ध कारण? भूदेवी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है वो बहुत दुखी थी. क्या कारण था उनका दुख का? दुख का एक कारण था कि बहुत सारे असुर आक्रांता भूरी भारेणा, बड़े बड़े असुर अनेकों अनेकों सैनिकों के साथ दूसरों को पीड़ित कर रहे थे. खास करके पाप का जो बोझा है वो माँ सहन नहीं कर सकती है. माँ के पास 10 भी बच्चे हों, 12 बच्चे हों, सबको देखभाल करे बड़े प्रेम से, लेकिन अगर उसमें एक बच्चा भी अगर शैतान निकला तो उनको सहन करना मुश्किल हो जाता है. माँ को बहुत दुख लगता है. वैसे समाज में लोग आजकल सोचते हैं जनसंख्या समस्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन आबादी जितने बड़े उतनी अच्छी है, उसमें कोई समस्या नहीं है. समस्या जो है आबादी का जो क्वालिटी है उसके ऊपर है. अगर
हजारों लाखों सज्जन हैं और ये देश के लिए अच्छा है। अगर एक भी अगर दुष्ट निकला उस वो देश के लिए बहुत भारी पड़ता है, वो पृथ्वी देवी के लिए बहुत भारी होता है। इसलिए पृथ्वी माँ वो एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, अपना दुख को व्यक्त किया ब्रह्मा जी के पास जाके। तब हमने ये भी चर्चा किया था कि कौन से ब्रह्मा के पास गई। शास्त्रों में वर्णन है हमारे इस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी निवास करते सत्यलोक में और एक ब्रह्मा जी है मेरु पर्वत के ऊपर। तो धरणी देवी यानी भूदेवी गाय का रूप धारण करके वो कौन सी ब्रह्मा के पास गई, जो मेरु पर्वत के ऊपर निवास करने वाले ब्रह्मा जी के पास गई। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है सत्ययुग में एक राजा थे जिनका नाम था रैवत। ये रैवत राजा का एक पुत्री थी जिनका नाम था रेवती, और इतनी सुंदरी है इतनी गुणवती है। तो रैवत राजा ने सोचा जिनके साथ मैं उनका विवाह कराऊंगा उनका कम से कम उनसे अधिक को गुण होना चाहिए, उनका समान तो होना चाहिए, गुणवान तो होना चाहिए, सुंदर तो होना चाहिए। अभी संसार में मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा उनके समान, मेरी पुत्री इनके साथ विवाह कर सके, योग्य वर नहीं है। अगर जन्म दिया है तो ब्रह्मा जी को मालूम होगा कि ये योग्य वर कौन होगा। इसलिए राजा रैवत गए, पुत्री के साथ ब्रह्मलोक में गए। सत्यलोक में ब्रह्मा जी है और उस समय ब्रह्मा जी आनंद ले रहे थे, हु हु और हा हा, ये दो गंधर्व हैं। इतना सुंदर गान कर रहे थे, कुछ समय के लिए रैवत राजा को उधर रहना पड़ा। और ये भजन समाप्त होने का, संगीत कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी ने पूछा रैवत राजा से, किस बात पे आप आए? रैवत राजा ने कहा, आप देखिए मेरी पुत्री है, उनको आपने कौन सा वर को ढूंढा है, पृथ्वी में किसके साथ उनका विवाह करा हूँ, मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो इससे मैं आपके पास आके पूछा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अच्छा ये बताइए आपका कितना समय हुआ के है? तो रैवत राजा ने कहा कि बस अभी 4-5 मिनट हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे लोक में 4-5 मिनट मतलब पृथ्वी लोक में युग बीत गए होंगे, आप जल्दी जाइए, शीघ्र जाइए, जाके उधर कृष्ण और बलराम लीलाएं कर रहे हैं। कृष्ण बलराम लीलाएं कर रहे हैं, उनका द्वारका लीला में बलराम जी के पास आप जाइए और अपनी पुत्री को विवाह का प्रस्ताव उनको रखिए, विवाह कर लेंगे। यानी सत्ययुग से लेके पूरा त्रेतायुग समाप्त हुआ, त्रेतायुग के बाद कलयुग भी प्रारंभ, द्वापर युग प्रारंभ हो गया, द्वापर युग का अंत पहुंचा और कृष्ण का जन्म हो गया। होने के बाद कृष्ण का वृंदावन लीला हो गया, कंस का वध हो गया, उसके बाद कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे हैं कृष्ण बलराम। उस समय तक संवाद चल रहा था ब्रह्मा जी और रैवत राजा के बीच में। अगर भूदेवी गई होंगी ब्रह्मा जी के पास तो द्वापर युग के कुछ समय के पहले गई होंगी, द्वापर युग के कुछ समय पहले गई होंगी या द्वापर युग में गई होंगी, तो उस समय ब्रह्मा जी के पास गई होंगी, रैवत राजा और ब्रह्मा जी के संवाद होता होगा। तो किस ब्रह्मा के पास गई फिर? ऐसा कौन से ब्रह्मा हैं जो भगवान के पास गए भूदेवी को लेके? वो है हमारे ब्रह्मा जी जो मेरु पर्वत के ऊपर निवास करते हैं। तो मेरु पर्वत के ऊपर निवास करने वाले ब्रह्मा जी के पास भूदेवी गई और अपना निवेदन किया, अपना दुख को व्यक्त किया, गाय का रूप धारण करके गई, बड़े खिन्न था उनका मुख। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, क्यों? क्योंकि इधर असुरों को वध करने का बात है, क्योंकि असुरों के वजह से भूदेवी बहुत दुखी है एक, तो इसलिए असुरों को वध करने के लिए शिव जी को नियुक्त करते होंगे भगवान, इसलिए मैं शिव जी के पास जाऊंगा पहले। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अगर मैं रक्षा करने भी जाऊं, भूदेवी विष्णु की पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, तो पत्नी को रक्षा करने का कर्तव्य जो है केवल पति के पास होता है। चलिए मैं शिव जी को लेके साथ में मैं विष्णु के पास जाऊंगा। ऐसा विचार करते हैं ब्रह्मा जी और भूदेवी सत्रिनयनस तीन नेत्रों वाले शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा चलो हम भी जाएंगे विष्णु के पास, शिव जी भी जुड़ गए।
तो शिव जी ने कहा, इधर धरणी देवी का रक्षा करने का बात तो केवल विष्णु के हाथ में है, चलो हम विष्णु के पास जाएंगे। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, इधर रक्षा की बात हो रही है, रक्षा करने के लिए हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है इंद्र को नियुक्त करते होंगे। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और भूदेवी इंद्र को भी साथ में लेके गए। इंद्र ने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ विष्णु के पास। तो सारे देवता लोग भी चले इंद्र के पीछे पीछे। जाके क्षीरम तीर पयोनिधे, क्षीर सागर के तट के ऊपर खड़े होके सारे देवता लोग विष्णु का स्तुति किया। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवा ऋषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेना, पुरुष सूक्तों के द्वारा जगन्नाथ तो सारे जगत को रक्षा करने वाले हैं। भक्तगण प्रार्थना करते, हे भगवान, आप सारे जगत को रक्षा करते हो तो हमें भी रक्षा करो। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवा, हम सारे देवता लोग दुखी है, देवताओं को रक्षा करने वाले हो आप, इसलिए जल्दी प्रकट हो जाइए। वृषाकपिम, खास करके अभी कौन दुखी है, वो आपकी स्वयं आपकी पत्नी दुखी है, इसलिए हे भगवान आप जल्दी प्रकट हो जाइए। इस प्रार्थना के साथ पुरुष सूक्तों को उच्चारण किए। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षा सहस्रवात, ये मंत्रों के द्वारा, इस इन शब्दों के द्वारा शुरू होने वाले मंत्र हैं पुरुष सूक्त, इनको उच्चारण के जैसे उधर जाके उच्चारण किए तो क्या हुआ, गिरम समादो गगने समीरितम, गिरम समादो गगने समीरितम, भगवान दिखाई नहीं पड़े, किसी को भी नहीं दिखाई पड़े। और भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी के हृदय में कुछ आवाज प्रकाशित किया, कुछ आवाज़ ब्रह्मा जी ने सुना, जो भी कहना था सारे देवताओं को कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को कहते हैं, सुनो भगवान हमारे आने से पहले ही भगवान को मालूम है इस संसार में किस प्रकार का भोजा है धरणी देवी को, पृथ्वी देवी को, तो वो तुरंत प्रकट होने वाले हैं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, प्रकट मैं हो जाऊँगा, लेकिन उन्होंने हमको चार आदेश दिए। तो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को कहा, चार आदेश दिया, ब्रह्मा जी देवताओं को कहते, सबसे पहला उन्होंने कहा कि आप सबको जन्म लेना चाहिए, कहाँ, यदुवंश में, वृष्णिवंश में लाके जाके जन्म लेना चाहिए, ताकि भगवान जब प्रकट होंगे तो आप सब उनको सहयोग कर सकते हो। जैसे स्वयं इंद्र प्रकट हुए अर्जुन के रूप में, वायुदेव प्रकट हुए भीम के रूप में, वैसे अनेकों देवता लोग जो हैं वृष्टि वंश यदु वंश में प्रकट हुए, जहाँ कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। ये पहले आदेश था। दूसरा आदेश क्या था कि केवल आप ही नहीं, वासुदेव वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनयिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। जितने भी देवताओं के पत्नियां हैं उनको भी आदेश मिला है, उनको भी जाना चाहिए, वासुदेव गृह साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं, इससे क्या करो, आपको भी यानी देवियों को भी, देवताओं की जो पत्नियां हैं उनको भी जाना है और रज में जन्म लेना है। जो गोपियां जो देवताओं के पत्नियों की अवतार थे, वो इन गोपियों को कहा जाता है देवचरी गोपियाँ। एक विशेष वर्ग के गोपियाँ हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की, और कुछ देवियाँ हैं जो कुछ जीव हैं जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार है, और देवलोक में मन्वंतर अवतारों की पत्नियाँ, और उपेंद्र इत्यादि, वामन इत्यादि उनके अवतारों की पत्नियाँ, उन सब व्रज में गोपियों के रूप में प्रकट हुई। तो इधर एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया गया है, जनयिष्यते तत्प्रियार्थम। तत्प्रियार्थम का अर्थ क्या है, तत्प्रियार्थम शब्द का ये अर्थ है कि हमारा जीवन केवल कृष्ण की प्रीति के लिए है, यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारा जीवन बना है। जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तत्प्रियार्थम,
भजनीय परम पुरुष सुखम ही सुसुखत्वम। भजनीय परम पुरुष सुखम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनका सुख ही में हमारा सुख है, इस प्रकार समझ के हम अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। अगर हम खुद सुखी होने का प्रयास करेंगे, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। केवल कृष्ण को सुख पहुंचाने से ही या कृष्ण को सुखी करने से हम सुखी हो जाएंगे। तो आप बोलोगे, क्या कृष्ण दुखी है, क्या हम क्या सुखी सुख पहुंचाना पड़ता है उनको? नहीं, कृष्ण तो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, लेकिन फिर भी उनकी भक्तों का भक्ति को देख के वो प्रसन्न होते हैं। जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये एक सिद्धांत है हमारा जीवन जीने की। सिद्धांत क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करो और खुद अपने आप सुखी हो जाओगे। लेकिन खुद सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, कितना भी प्रयास करो, जितना प्रयास करोगे उतना दुखी होंगे। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो इधर तीसरा आदेश, पहला आदेश ये था भगवान का, ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं सारे देवताओं को, आपको प्रकट होना चाहिए यदु वंश में, वृश्चि वंश में, और देवताओं की पत्नियां उनको ही प्रकट होना चाहिए, कहाँ, व्रज में प्रकट होना चाहिए गोपियों के रूप में। तीसरा उन्होंने कहा कि वासुदेव कलानंता सहस्त्रवदन स्वराट। केवल भगवान श्री कृष्ण नहीं, बल्कि भगवान के जो अंश है, उनके विस्तार हैं, बलराम जी भी प्रकट होने वाले हैं, जो अनंत देव है, अग्रतो भविता देवो हरे हे प्रिय चिकीर्षयः। अग्रतो भविता देवो, भगवान कृष्ण की प्रकट होने से पहले स्वयं बलराम जी प्रकट होंगे और क्या करेंगे, क्या हरे हे प्रिय चिकीर्षयः। केवल उनका एक ही काम रहेगा बलराम जी का, क्या रहेगा? कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को सुख पहुंचाना, कृष्ण की सेवा करना। देखिए, कृष्ण और बलराम ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भी भगवत तत्व है, बलराम जी भगवत तत्व है, लेकिन भाव में अंतर है। कृष्ण जो हैं वो सेवा स्वीकार करते हैं, वो सेव्य भगवान है, और बलराम जी कौन है? वो सेवक भगवान है। वैसे तो उनके रंग में अंतर है, लेकिन फिर भी तत्व में कोई अंतर नहीं है। वह स्वयं रूप है, स्वयं प्रकाश है। स्वयं रूप भगवान कृष्ण है और बलराम जी स्वयं प्रकाश है, रंग मात्र में भेद है। अगर कोई कहे बलराम जी कौन है, आप कह सकते हो तो गोरे कृष्ण। अगर कोई कहे कृष्ण कौन है, आप कह सकते हो तो आप बोल सकते हो काले बलराम। कृष्ण का परिचय क्या है? काले बलराम। बलराम जी कौन है? वो गोरे कृष्ण हैं। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भाव में ही अंतर रहता है। कि लिखा हुआ है जिस प्रकार भागवत के 10वां स्कंद का पहला अध्याय का 24वां श्लोक में, हरे हे प्रिय चिकीर्षया, हरे प्रिय चिकीर्षया, हरि के यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न के लिए, प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते बलदेव जी, बलराम जी, हमारे दाऊ जी। अस्तित्व में बलराम जी का सेवा इस प्रकार के अद्भुत भाव रहता है। शास्त्रों में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण की सेवा पांच प्रकार के रसों में होता है, पांच रसों में होता है, शांत, दास, साक्षी, वात्सल्य और माधुर्य। ये पांच रसों में भगवान श्री कृष्ण का सेवा होता है। बलदेव ही, बलराम जी एकमात्र है तत्व जो भगवान श्री कृष्ण को पांचों के पांच रस में सेवा करते हैं। देखिए, यशोदा है, कृष्ण की सेवा करती है वात्सल्य रस में, एक माँ के रूप में वात्सल्य रस में कृष्ण की सेवा करती है। गोपियाँ माधुर रस में, श्री दाम, सुदाम इत्यादि तरह भी ग्वाल बाल है, वो सब साख्य रस में, और अनेकों कृष्ण के सेवक थे, रक्तक इत्यादि, पत्रक इत्यादि, वो सब कृष्ण को दास्य रस में सेवा करते हैं। वृंदावन के धूल, वृंदावन के पुष्प, वृक्ष इत्यादि भगवान श्री कृष्ण को वो शांत रस में सेवा करते हैं। इस प्रकार एक एक प्रकार जीव या भगवान के पार्षद एक ही रस में भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन बलराम जी का विशेषता है कि वो पांच के पांच रसों में सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। वो भगवान श्री कृष्ण को अपने ईश्वर मान के स्तुति करते हैं, शांत रस में सेवा करेंगे। दास रस में भगवान श्री कृष्ण का एक्टिव सेवा करेंगे, और
साक्य रस में भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल कूद में भाग लेते हैं, ग्वाल बालों के साथ बड़ा आनंद लेते हैं, ग्वाल लीला करते हैं, गोचरण लीला करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य रस में भी, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते वात्सल्य तो रहेगा ही। और आप कह सकते हो कि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को माधुर्य रस में कैसे सेवा करेंगे, आप पूछ सकते हो। माधुर्य रस में सेवा करने के लिए बलराम जी अपने आप को विस्तार करते अनंग मंजरी के रूप में, और अनंग मंजरी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की निकुंज लीलाओं में निकुंज सेवा करते हैं। आपने सुना होगा व्रज में वृंदावन, वृंदावन में खास करके गोवर्धन, गोवर्धन के तट में राधा कुंड, राधा कुंड के बीच में कंकण कुंड, कंकण कुंड के एकदम बिल्कुल अंतरंगिक स्थान में एक कुंज है, स्वानंद सुखदा कुंज नामक कुंज है, जहाँ राधा कृष्ण की एकदम बिल्कुल अंतरंगिक लीलाएं होती है। उन लीलाओं को संपन्न कराने वाले, अरेंज करने वाले जो बलराम जी है, अनंग मंजरी के रूप में एकदम बिल्कुल अंतरंगिक संगी के रूप में बलराम जी रहते हैं अनंग मंजरी के रूप में। इस प्रकार बलराम जी प्रकट होंगे, कृष्ण का प्राकट्य के पहले बलराम जी का प्राकट्य होगा, ये भविष्यवाणी बलराम ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी भगवान से सुना उन्होंने कहा। तीसरी बात हुआ, पहला क्या है, देवता लोगों को उन्होंने कहा कि आप सब प्रकट हो जाएंगे विष्णु वंश में और यदु वंश में, और देवताओं की पत्नियों को दूसरा बात कहा कि देवताओं की पत्नियों को प्रकट होना चाहिए कहाँ, व्रज में गोपियों के रूप में, देवचरी गोपियों के रूप में, केवल उनका एक ही कार्य रहेगा कृष्ण को प्रसन्न करना। और तीसरा क्या बात कहा कि मेरे प्रकट होने से पहले, यानी भगवान का प्रकट होने से पहले बलराम जी प्रकट होंगे, और वो भी उनका एकमात्र कार्य रहेगा कृष्ण की सेवा करना। अभी चौथा बात, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टति प्रभुनाम शेना कार्यार्थे संभविष्यति। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के साथ साथ में या भगवान के पहले ही बलराम जी प्रकट होंगे, अरे भगवान के साथ साथ में और एक देवी प्रकट होने वाली है। कौन है वो देवी? विष्णुर्माया भगवती, विष्णु की माया, भगवान श्री कृष्ण की जो माया है वो यया सम्मोहितम जगत आदि अधिष्ठा प्रभु नाम शेन कार्यार्थे संभविष्यति। प्रभु भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार वो उनकी कार्यों को सिद्ध करने के लिए देवी प्रकट होने वाली है। अभी भगवान की एक शक्ति है, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, भगवान की एक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, वो उनकी छाया है बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है उनकी मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। अभी खास करके इधर योग माया, क्योंकि कार्यों को सिद्ध करने के लिए उनके योग माया, एक योग माया है, योग माया की छाया जो है महामाया। महामाया कोई और नहीं है, दुर्गा जी है, जिसको माया माया कहते हैं इस भौतिक जगत में, वो माया कोई और नहीं है, दुर्गा जी है। और दुर्गा जी जो आध्यात्मिक जगत में गोलोक में रहने वाली जो योग माया है उनकी छाया है, इसलिए कहा गया है छायैव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा। हम लोग सोचते हैं कि भगवान के साथ में बहन के रूप में दुर्गा जी प्रकट हुई, असत में यशोदा की गर्भ से दुर्गा प्रकट नहीं हुई थी, योग माया प्रकट हुई थी। और योग माया और दुर्गा, यानी दुर्गा का और एक नाम है महामाया, इन दोनों में क्या अंतर है, वो चीज़ हम अगली बार बड़े अच्छी तरीके से समझने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत गहरा विषय वस्तु है। हम माया माया ये शब्द सुने हैं, बार बहुत बार सुने हैं, लेकिन है क्या है माया? माया भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति होने के नाते वो आध्यात्मिक है, योग माया है, लेकिन योग माया की परिचाई है महामाया, जिनको हम दुर्गा के रूप में पूजते हैं। अभी योग माया का कार्य क्या है, ये महामाया का कार्य क्या है, उसको हम अगली बार अच्छी तरीके से जानने के लिए प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। कृंत्रा श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।